हाय गाइस, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब। तो गाइस, अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं या फिर ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं, आप खुद से स्टॉक को चूज़ नहीं कर पाते, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको कन्फर्म कराने वाला हूँ कि कौन कौन से टिक्स लगा करके, कौन कौन से जो है फिल्टर्स लगा करके आप स्टॉक को छांट सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिससे कि कुछ एनालिसिस के बाद आप उस स्टॉक को फिर बाय भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको लेकर चलता हूं डायरेक्ट स्क्रीन पे और आपको कंफर्म कराता हूं कि किस तरह से कौन से आपको यहां पे फिल्टर लगाने चाहिए और उससे जो है स्टॉक निकल कर आता है, और आपको कौन से एनालिसिस करने चाहिए, उसके बाद आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपके लिए बेटर हो सकती है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वो जो है स्क्रीन लगा रखा है। मैं आपको इसका नाम भी बताऊंगा, कौन से वेबसाइट्स हैं। फिलहाल आप गाइस स्क्रीन ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह के इंटरफेस देखने को स्टार्टिंग में मिलेगा। फर्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक्स यूनिवर्सल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट गाइस, यहाँ पे आपको ये चूज़ नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं है कि यह निफ्टी 50, निफ्टी 100 या निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी 500 या फिर निफ्टी या स्मॉल कैप 100 के को ही लेकर चलना है। आपको कहीं से भी कोई स्टॉक्स मिले, आपको बस वो देखना है कि स्टॉक्स का वो जो है बैकग्राउंड कैसा रहा है, यानी कि पिछले में जो है कैसा ट्रेड करता नज़र आ रहा है, अभी कहाँ पे वो प्राइस चल रहा है, उसके बाद आपको स्टॉक को बाई करना है। तो गाइस, अभी आपको इसमें से लेकर नहीं चले तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। काफ़ी सारे स्टॉक्स आपके सामने निकल कर आएंगे, पेनी स्टॉक्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखेगा इस सेक्टर वाइज अगर बात करें, तो गाइस इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ हमको सेक्टर वाइज ही चाहिए, तो आप इधर सेक्टर वाइज भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च कर लें, फार्मेसी का हो, एनर्जी का हो, फाइनेंशियल का हो, रियल एस्टेट हो, आपको जो अच्छा लगे, जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हो आप इधर से चूज़ कर सकते हो। और सर्च करने के बाद गाइज आप साइड में कहीं भी क्लिक करो, ये अपने आप फिल्टर होकर के ये सारे स्टॉक्स इधर आ जाएंगे। नंबर वाइज आप देख सकते हो काफ़ी सारे स्टॉक्स इधर अभी हैं जो फिल्टर लगा है उसके अनुसार। तो फिलहाल ये सेक्टर वाइज यहाँ पे चूज़ नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं क्या हमको लगाना चाहिए। तो मार्केट कैप आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जीरो से अनलिमिटेड आप यहाँ पे जो यहाँ पे स्टार्टिंग से रहा है वो यहाँ पे इंटर है। तो गाइज आपको यहाँ पे रखना है मार्केट कैप, आप अपने अनुसार रखो, लेकिन गाइज नॉर्मली आपको 100 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप लेकर चलना है, और लगभग गाइज आप 1000 तक का एक मार्केट कैप लेकर चलो कि हाँ मुझे 100 से ऊपर का मार्केट कैप चाहिए और 1000 के अंडर का मार्केट कैप हमको चाहिए। तो गाइज इस तरह से आप यहाँ पे अपना मार्केट कैप के अनुसार फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हो। आप यहाँ पे 80 का भी लगा सकते हो, 80 to 1000 तक का या फिर 500 तक का। तो गाइज वहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क लेकर चलना पड़ेगा, मार्केट कैप जो है थोड़ी डाउन यहाँ पे होगी, तो गाइज कुछ स्टॉक्स आपको थोड़ा वहाँ पे अलग से भी मिल सकते हैं। तो गाइज बेटर स्टॉक्स के लिए आपको लगभग 100 करोड़ का मार्केट कैप स्टार्टिंग का लेकर चलना होगा। 1000 में आप कहीं तक भी जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। तो नॉर्मली ये जो है 100 से 1000 तक मैंने आपके सामने यहाँ पे लगा रखा है। आगे बढ़ेगा और देखें यहाँ पे क्लोज प्राइस। तो गाइज ये लगाने के बाद आप देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स यहाँ पे फिल्टर होकर के यहाँ पे सामने आए हैं, करीब देख सकते हैं 40 स्टॉक्स निकल कर आए हैं। तो चलिए देखते हैं, इस पर क्लोजिंग प्राइस भी लगा हुआ है। तो मार्केट कैप मैंने डाला, उसके बाद इतने स्टॉक्स जो है निकल कर आए, आप देख सकते हैं 998 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिला। स्टार्टिंग का आप देख सकते हैं 913 करोड़ का भी रहा है। क्लोजिंग प्राइस की अगर बात करें गाइज, तो आप क्लोजिंग प्राइस आप अपने अनुसार लगाए कि हाँ हमें इतना से इतना बीच के बीच का स्टॉक्स चाहिए। आप 1 रुपये से, 2 रुपये से या फिर 50 पैसे से, उससे भी नीचे तक का स्टॉक्स आप स्टार्टिंग से रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंटर करें। तो गाइज मैं आप यहाँ पे इंटर करने वाला हूँ फिलहाल 5 रुपये से, 5th rupees का। इससे ऊपर का स्टॉक्स हमें चाहिए, इससे नीचे का मैं स्टॉक्स यहाँ पे चूज़ नहीं करने वाला। तो स्टार्टिंग में गाइज आपको जितना का चाहिए उतना का आप लगा सकते हैं। स्टार्टिंग वाइज 5 से मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा 30 रुपीज़, 20 रुपीज़, आप यहाँ पे कुछ भी रखो। तो गाइज लगभग मैं यहाँ पे लगभग 20 रुपीज़ तक का एक लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो क्लोजिंग प्राइस मैंने यहाँ पे 5 रुपीज़ से 20 रुपीज़ का लगाया, और इसको इधर ही क्लिक किया या फिर साइड में भी आप क्लिक कर दो, ये फिल्टर होकर इधर ये स्टॉक्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको फिलहाल मिनिमाइज़ करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज आगे में देखने को मिल रहा है यहाँ पे पी रेशियो। तो पी रेशियो आप देख सकते हैं -477 से लेकर के 1176, यानी कि 1176 तक देखने को मिल रहा है। तो गाइज आप यहाँ पे पी खुद के अनुसार लगा सकते हो। तो फिलहाल आपको गाइज यहाँ पे मैक्सिमम का जो दिख रहा है वो जो यहाँ पे स्टार्टिंग से ले रहा है वो रहने दें, और यहाँ पे अपना पी जो है पी रेशियो स्टार्टिंग वाला वो थोड़ा आप चेंज कर दें। तो गाइज फिलहाल मैं आपको माइनस यहाँ पे हटा करके लिए करने वाला हूँ, यानी कि यहाँ पे 0 तक का लगाने वाला, यानी कि ये स्टार्टिंग यानी कि 0 से
हमें 1176% तक का यहाँ पे पीई रेशियो देखने को मिले। तो गाइज यहाँ पे मैंने इसको लगाया जीरो से इतना तक का और इसको फिल्टर के लिए क्लिक किया और आप देख सकते हो इधर फिल्टर होकर इतने सारे स्टॉक्स आए। तो फिलहाल गाइज यहाँ पे मार्केट कैप में, क्लोजिंग प्राइस में और पीई रेशियो में देखने को मिल रहे हैं इतने सारे स्टॉक्स निकल कर आए हैं। मैं आपको काउंट कराता हूँ, हाँ 40 स्टॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए कुछ इसमें और ऐड करते हैं कि अगर यहाँ से अगर कंफर्म नहीं हो रहा है तो क्या और ऐड कर सकते हैं जिसमें एक बड़ी कंफर्मेशन के बाद कुछ स्टॉक्स ही निकल कर आए, जिसमें कि हाँ एनालाइज करके वो 5-6 स्टॉक्स में उधर से आप स्टॉक को बाई करें। तो गाइज यहाँ पे आपको नीचे आना है ऐड फिल्टर, इधर आपको आकर क्लिक करना है, नीचे में आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में नीचे में ऐड फिल्टर, वहाँ जाकर क्लिक करना है और सामने एक ये खुलेगा टैब तरह, यहाँ से आपको आकर के सर्च में आपको सर्च फॉर फिल्टर्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आप खुद के अनुसार लगा सकते हो। तो गाइज आपको यहाँ पे एक चीज़ लगाना है रिटर्न्स ऑन इक्विटी, ठीक है, रिटर्न ऑन सर्च करोगे तो ये खुद भी आ जाएगा इधर, आप देखो किधर है रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लास्ट सेकंड लास्ट में देखने को मिल रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी, इधर मैंने क्लिक किया और वापस से नीचे आकर डन किया, इधर आ गया, ठीक है। इधर आया तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न ऑन इक्विटी में माइनस से दिखा रहा है, -25,400 का, उधर से लेकर के ये है जो है 7,532 तक देखने को मिला है। तो मिनिमाइज इतना का और मैक्सिमाइज इतना का दिख रहा है। तो गाइज यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है हम वहाँ पे माइनस में नहीं लेकर चलेंगे, लगभग गाइज यहाँ पे हम 5% से 7% से 10% से ऊपर का रिटर्न इक्विटी लेकर चलेंगे। तो फिलहाल गाइज यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लेकर चलता हूँ, लगभग 5 और 6 का भी आप रख सकते हैं। हाँ तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट में आपको यहाँ पे टाइप करना है प्रमोटर होल्डिंग, सॉरी गाइज प्रोमोटर होल्डिंग, हाँ आप यहाँ देख सकते हो थर्ड में आ रहा है इधर प्रोमोटर होल्डिंग, इधर क्लिक करना है, ठीक है, और डन करना है। तो क्लिक करते ही डन करने के बाद ये जो है 5 स्टॉक्स इधर फिल्टर होकर के लग गए खुद से, लेकिन यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग आपको अपने अनुसार लगाना है। तो गाइज इधर पे एरो पे क्लिक करना है, इधर खुल के आया 0 से 100, तो ऐसा नहीं गाइज 0 से 100 नहीं, आप अपने अनुसार लगाओ। मिनिमम गाइज 50% का आपको रखना है इधर प्रोमोटर होल्डिंग, कम से कम गाइज स्टॉक्स जो हो प्रोमोटर्स के पास 50% की होल्डिंग देखने को मिले और 100% तक का चलेगा। तो गाइज उतना 100% नहीं, फिर भी आप 50% से ऊपर लेकर चलो, 100 से थोड़ा डाउन में ही आपको स्टॉक्स मिलेंगे। तो इस प्रमोटर्स होल्डिंग जो है आपको मिनिमम जो है 50 से रखना है 100 तक का, तो यहाँ पे आपको लगा लेना है, साइड में कहीं क्लिक कर दो, आइए फिल्टर होकर आ जाएगा। तो देख सकते थे पहले 5 थे, अभी 4 निकल कर आए हैं। तो गाइज टोटल फिल्टर जो है लगे हैं यहाँ पे 7 फिल्टर्स लगे हैं। तो गाइज आप इतने लगाने के बाद यानी कि 7 फिल्टर्स के बाद आप कंफर्म कर सकते हो कि हाँ इस स्टॉक को हमें बाई करना चाहिए, कौन सा स्टॉक को बाई करना चाहिए। आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 4 स्टॉक्स खुल कर आए हैं और उसमें सारे आपको इधर देखने को मिल रहे होंगे, सेक्टर वाइज मार्केट कैप, क्लोजिंग प्राइस, पी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगा हुआ है, परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक हाई भी लगा हुआ है, डेप्ट टू इक्विटी भी लगा हुआ है, प्रमोटर्स होल्डिंग भी लगा, तो ये सारे गाइज इधर निकल कर आ रहे हैं। आपको इधर से बाई करना है तो फिलहाल आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये कुल क्या है, इधर आने के बाद जो है इधर देख रहे हो आप एरो, इस पर आकर क्लिक करना है। तो ये स्टॉक जो जो आप बाई करने की सोच रहे हो जिसका आप मैंने क्लिक किया, ये इधर खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हो श्याम सेंचुरी एंड फेरस लिमिटेड, ये खुल के आ गया। यहाँ से आप उसकी एनालिसिस निकालो और उसके बाद आप चाहो तो इसमें अपनी रिस्क वाइज आपको बाई करना है तो उसके बाद आप कंफर्मेशन के साथ बाई कर सकते हो। आप देख सकते हो फर्स्ट मैंने इसे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.33% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। थोड़ा अगर 1 वीक में या फिर 1 मंथ में भी देखें तो गाइज 1 वीक में जो है आपको थोड़ा माइनस में देखने को मिला, निगेटिव नज़र आए। अगर 1 मंथ में देखा तो फिर भी आपको निगेटिव नज़र आ रहा है, 1 ईयर में देखा तो यहाँ भी निगेटिव है, लेकिन अगर 5 ईयर में देखते हैं क्या होता है गाइज, तो 5 ईयर में आप देख सकते हैं बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, 104.30% का ये रिटर्न से स्टॉक दे रहा है। तो गाइज आपको यहाँ पे अपनी एनालिसिस करनी है, यहाँ पे ओवरव्यू, फोरकास्ट, फाइनेंशियल, पीयर्स, होल्डिंग्स, इवेंट्स, न्यूज़ सारे गाइज आप आपको यहाँ पे इस स्टॉक पे उस तरह से जो छट कर निकल कर आए हैं, आप देख सकते हो इस तरह से जो निकल कर आए हैं, यहाँ क्लिक करने के बाद ये जो आया इधर से खोले तो गाइज इधर निकल कर आया, और इधर आने के बाद आपको खुद से एनालिसिस करनी है उस स्टॉक के बारे में पूरा डिटेल्स, उसके बाद आप यहाँ से उस स्टॉक को बाई कर सकते हो। तो गाइज आप देख सकते हो इस जो है वेबसाइट का नाम है वो टिकर टैप, आप देख सकते हो टिकर टैप नाम है, आपको नॉर्मली गूगल पे जाना है और उधर जाकर टिकर टैप सर्च करनी है उधर, उसके बाद गाइज आपको टिकर टैप सर्च करने के बाद आपको वो जो टिकर टैप लिखा हुआ आएगा उधर जाना है, वहाँ पे एरो है, एरो पे आप
बस क्लिक नहीं करना है, वहाँ पे जाकर के कर्सर को लेकर जाना है और वहाँ पे आपको देखने को मिला गया, इधर आप देख सकते हो स्टॉक स्क्रीनर। इधर आने के बाद आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप इधर आकर खुल जाएगा, ये टैब खुलेगा इस तरह से। वेट अ मिनट गाइस, हाँ इस तरह से टैब खुलेगा। तो इस तरह से खुलने के बाद आप उसमें इस तरह ऐड फिल्टर करके अपने अनुसार और जोड़ते जाना, तो गाइस उस अनुसार से आपको ये स्टॉक्स निकल कर आ जाएंगे इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको ऐड करके बताया वो इस तरह से स्टॉक निकल कर आएंगे। तो गाइस यहाँ पे एनालिसिस के बाद उस स्टॉक को आप कंफर्म बाई कर सकते हो खुद के एनालिसिस के साथ। अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप उस तरह के क्वेश्चंस भी आप हमें कमेंट ज़रूर करना। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, या फिर आपको अगर कुछ लगता हो कि हाँ इधर और फिल्टर ऐड करना चाहिए तो आप हमें वो भी कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो फिल्टर ऐड करके ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करो, क्योंकि इस तरह के वीडियोस में आपके साथ डेली डिस्कस करता हूँ और स्टॉक्स भी आपके साथ कंफर्म कराता हूँ। तो गाइस वहाँ से आप कंफर्मेशन के साथ बाय भी कर सकते हो, खुद से अगर नहीं निकाल पा रहे जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको डाउट हो रही है कुछ भी चीज़ तो मैं आपके साथ स्टॉक डिस्कस करता हूँ, वहाँ से भी एनालिसिस के साथ आप खुद से भी बाय कर सकते हो। तो गाइस हमारे साथ बने रहें, इस तरह के स्टॉक्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।